दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जितनी भी यूनिट है उनसे आप सभी लोग के लिए स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के वैकेंसियाँ तो आती है, उस पर एक पोस्ट आती है प्लांट ऑपरेटर वाली। ठीक है, तो आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट ऑपरेटर की सैलरी कितनी रहती है, ठीक है, कितने कितने पार्ट्स मिलते हैं, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने दोस्तों देखा है यूट्यूब पे बहुत सारी फेक जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है कि प्लांट ऑपरेटर की सैलरी 1 लाख तक पहुँच जाती है, ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैं एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बस आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि सबसे पहले आपके यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको पहले साल पे क्या होता है, 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है और दूसरे साल पे आपको 22,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बुक के लिए 3,000 रुपये दिया जाता है, यानी कि बुक अलाउंस यहाँ पे 3,000 भी मिल जाता है। ठीक है, तो इतना आप सभी लोगों को समझ आ गया ना। अब दोस्तों मुद्दा तो ये आता है कि जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तब आपकी सैलरी कितनी होती है, तो मैं इसी के बारे पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है, यदि आपका इंटरव्यू ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, तो अब आप टेक्नीशियन बी बनेंगे। ठीक है, यदि आपका इंटरव्यू ठीक ठाक जाता है तब आप टेक्नीशियन बी बनेंगे। मोस्टली केस पे अधिकतर कैंडिडेट टेक्नीशियन बी ही बनते हैं। ठीक है, यदि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तब आप टेक्नीशियन सी बन जाएंगे। दोस्तों दोनों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर रह जाता है, टेक्नीशियन बी पे आपको लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी और टेक्नीशियन सी पे आपको लेवल 4 की पेमेंट मिलेगी, सिर्फ इतना अंतर आपके पास रह जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन बी की सैलरी कितनी हो जाती है, कितने अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्नीशियन बी के बारे में। ठीक है, तो टेक्नीशियन बी के बेसिक पे कितना हो जाता है, टेक्नीशियन बी का बेसिक पे हो जाता है 21,700 रुपये। इसका आपको 50% डीए मिल जाता है, यानी कि डीएनएस अलाउंस आपको मिल जाता है 50%। साथ ही साथ आपको एनपीएस मिल जाता है जो कि सभी डिपार्टमेंट की तरफ पे रहता है। ठीक है, एनपीएस कहीं भी होता है, ठीक है, जो कि अलाउंसेस वगैरह की तरह ही होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी तब हो जाती है 35,000 के समथिंग। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेक्नीशियन बी की एक्चुअल सैलरी हो जाती है 35,000 रुपये, इतनी ही रहती है मोस्टली। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एचआरए के केस पे। तो दोस्तों एचआरए का केस उन्हीं को होता है, ठीक है, यदि आप एनपीसीएल पे या फिर बार्क पे आपको जो क्वार्टर मिलते हैं, आपको जो वहाँ पे हॉस्टल मिलते हैं या फिर आपको वहाँ पे फ्लैट मिलते हैं, यदि आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता है, इस केस में आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, एचआरए के केस में क्या होता है, जो आपकी बेसिक पे होती है इसका आपका 25% से लेके 30% आपको यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि दोस्तों आप मान के चलिए करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये आपको एचआरए के तहत दिया जाता है, तब आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तब आपकी सैलरी दोस्तों यहाँ पे 40-42 तक चली जाएगी। लेकिन एचआरए के केस बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों एनपीसीएल या फिर बार्क जो भी होता है यहाँ पे आपको क्वार्टर प्रोवाइड करा देता है, इस केस में आपको एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी होगी दोस्तों, करीब 35,000 के समथिंग आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है टेक्नीशियन बी की। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन सी के बारे में। तो टेक्नीशियन बी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया ना कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 35,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा घटपट भी सकती है, तो मैं आपको बता दिया दोस्तों आपका अप्रॉक्स सैलरी कितनी रहने वाली है, 35,000 के समथिंग रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन सी के बारे में। तो टेक्नीशियन सी का बेसिक पे कितना रहता है दोस्तों, लेवल 4 यानी कि 25,500 रुपये आपका यहाँ पे बेसिक पे रहता है, जिसमें आपको 50% डीए मिलता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एनपीएस मिलता है। ठीक है, तब आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी हो जाती है दोस्तों, 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी यहाँ पे टेक्नीशियन सी की सैलरी रहती है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, टेक्नीशियन सी की एक्चुअल सैलरी हो जाए 35,000 से लेके 40,000 के बीच में। एचआरए के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि आपको वहाँ पे क्वार्टर या फिर हाउस वगैरह नहीं मिलता है, इस केस में आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, 25 से 30% के बीच में एचआरए रहता है, तब आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मोस्टली दोस्तों आपको वहाँ पे क्वार्टर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तब आपको एचआरए नहीं मिलता है। तो इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। तो टेक्नीशियन सी की एक्चुअल सैलरी कितनी होगी, 35,000 से 40,000 के बीच में होगी आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या इस सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होता है। हर साल आपको 3% सैलरी के साथ आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होता है, हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट होता है।
ठीक है, तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से आपको पर्क्स वगैरह मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको एचआरए के केस में बताया था, यदि आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल कैसे रहता है दोस्तों, हॉस्टल रूम भी मिल सकता है या फिर आपको 2 BHK फ्लैट में मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 2 से 3 कैंडिडेट यहाँ पे आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो यदि आपको 2 BHK हॉस्टल मिल जाता है, तब आपको आपके साथ 2 से 3 कैंडिडेट आपके साथ यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आपका जो कैंपस रहेगा ना, एकदम फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं CHS कार्ड के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, CHS कार्ड मोस्टली 6 मेंबर के लिए दिया जाता है, आपकी फैमिली के 6 मेंबर के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप हो गए, आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों यदि आपकी शादी हो गए तो उनको भी मिलेगा, आपके मम्मी पापा को भी मिलेगा, और जिनकी एज आपके फैमिली मेंबर पे 25 साल के कम है ना, जैसे कि भाई बहन हो गया, तो उनको भी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन दोस्तों शर्त एक ही है, आप गवर्नमेंट मतलब आपके पापा मम्मी या फिर भाई बहन गवर्नमेंट एम्प्लाई नहीं होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे CHS कार्ड के थ्रू मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब दोस्तों बात करते हैं स्कूल के बारे में। तो दोस्तों आपके जो बच्चे वगैरह होंगे ना, इनके यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री रहती है। ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगता है एडमिशन वगैरह के टाइम पे, तो आप मान के चलिए दोस्तों आपके यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी स्कूल यहाँ पे रहती है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी तो एक नंबर मैंने आपको बता दिया, आपके यहाँ पे स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपको यहाँ पे क्वार्टर मिल जाता है, तो क्वार्टर के चारों तरफ दोस्तों आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड मिलेंगे, गार्डन मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह भी होता है, आपके यूनियन भी होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत मस्त यहाँ पे होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टूर ट्रिप्स के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो हर 2 से 4 साल के बीच में आपकी एक टूर ट्रिप्स होती है, मनाली हो गया। ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे आपको घुमाने ले जाते हैं हर 2 से 4 साल के बीच में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, मुद्दा ये आता है कि अपन ओटी, अब दोस्तों बात करते हैं अपन यहाँ पे ओटी कब कर सकते हैं, यानी कि ओवर टाइम कब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ओवर टाइम तभी कर पाएंगे जब आपका एब्जॉर्बेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों आप जैसे कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग के 1 से 2 साल के बाद ही आप ओटी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में आपको ओटी यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए दोस्तों ओटी आप कब कर सकते हैं, जब आपका 2 से 4 साल यहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय रह जाते हैं, तभी आप यहाँ पे ओटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ओवर टाइम आप यहाँ पे कर पाएंगे, तब आपके यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट रहता है ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है,